जी गुड आफ्टरनून। हाँ जी फातिमा, आवाज आ रही है बेटा आपको? मेरी वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? जी सिमरा, आवाज आ रही है बेटा आपको? ओके, टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। क्या होती है कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट? हाँ जी, कौन बताएगा? पहले हमने कई दफा इसको रिवाइज किया है। कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। शाबाश, जल्दी से बताएं कि कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया था, क्या होती है कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। हरी, आप जल्दी से। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। हाँ जी सिमरा, वर्दा, फातिमा, टेल मी अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात करें तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल आर एबल टू डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, डिपिक्ट द टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल। कंफ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन के ऊपर कि कंफ्लिक्ट होता है क्या है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रियल और द परसीव्ड डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, वैल्यूज, आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीव्स, फीलिंग्स और एक्शन। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें हमारे पास रियल हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास परसीव्ड हैं। रियल और परसीव्ड के दरम्यान का जो डिफरेंस है हमारे गोल्स में, आइडियाज में, एटीट्यूड में, बिलीफ में, फीलिंग्स और एक्शन में, वो क्या कहलाता है? वो आपका कंफ्लिक्ट कहलाता है। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रियल और द परसीव्ड डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, वैल्यूज, आइडियाज, बिलीव्स, फीलिंग्स और एक्शंस। तो ओवरऑल जो हमारे पास डिफरेंस निकलता है परसीव्ड और रियल कॉन्सिक्वेंसेज का, उसको हम लोग कंफ्लिक्ट में कहते हैं। एडवांटेजेस जो हैं, देर आर सम हाउ एडवांटेजेस ऑफ द कंफ्लिक्ट। कॉम्पिटिटिव कंफ्लिक्ट है, प्रोवाइड हाइटेंड सेंसिटिविटी टू एन इशू। ठीक है, मतलब कोई भी इशू है लाइक मैनेजमेंट का है, लीडरशिप का है। हाँ जी वर्दा ने हमें बताया है कि कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें वी लिमिट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंफ्लिक्ट एंड वी इंक्रीज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंफ्लिक्ट, वी टेंड टू मैनेज द एरियाज ऑफ कंफ्लिक्ट। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइडों पे उसने कहा है कि पोटेंशियल हम क्रिएट कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है और बीच का एक रास्ता क्या है। Attracting the interest and curiosity, ठीक है, मतलब किसी भी issue से related जो है वो हम लोग उसको curiosity की बात करते हैं। Increase creativity, कुछ इस किस्म की कह लें कि आप कह लें कि competitive सी situation create हो जाती है जिसमें हम जो है वो अपना brainstorming करते हैं, creative situation जो है हम develop करते हैं। Increase productivity, फिर हम productivity increase करते हैं। Developing new ideas, ठीक है, हम new ideas को develop करते हैं। Motivate to employ for improving performance, और overall जो है वो performance के अंदर जो है वो जो आपके employees हैं उनको क्या मिलती है? Motivation मिलती है।
परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. अब देर आर सम एडवांटेजेस और अब हम कुछ बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में. डिसएडवांटेजेस ऑफ द कन्फ्लिक्ट, डिसरप्ट कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब कि हम लोग चीज़ों से मतलब सम टाइम आप कह सकते हैं कि जो आपका पोटेंशियल है वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव. मतलब बाज़ का जो है वो हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ जो है वो हम ज़्यादा चले जाते हैं और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हम कम रहते हैं. सो एक डिसरप्टिव सी कंडीशन पैदा हो जाती है. फिर एग्रेसिव बिहेवियर हमारा आ जाता है, इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन और एंगर, आपकी फ्रस्ट्रेशन और एंगर जो है वो इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज एरर एक्सीडेंट्स और इलनेसेस, आपकी एरर एक्सीडेंट्स और इलनेसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी तरफ कोई कंक्लूड नहीं कर पाते उस सिचुएशन में से, अगर हम निकल नहीं पाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. क्रिएट रिटेलिएशन, जैसे कि उसने बात की है कि रिटेलिएशन आ जाती है फ्रॉम बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के दरमियान में जो है वो रिटेलिएशन आ जाती है, प्रोजेक्शन आ जाती है. थैंक यू आपा जी. डिप्रेशन आ जाती है, रैशनलाइजेशन आ जाती है, ठीक है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, सप्रेशन, रन अवे स्ट्रेटजी, ठीक है, और इवन वी मतलब कोई भी एम्प्लॉय है अगर उसकी नहीं सेटल डाउन हो पा रही है सारी की सारी सिचुएशन तो एंड अप इन रेजिग्नेशन और फ्लाइट इन टू ए फैंटेसी. सो साइकोलॉजिकल लॉस भी होगा आपका, फाइनेंशियल लॉस भी होगा और प्रोफेशनल लॉस भी है. सो डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके. डिफिकल्ट टू ग्रुप वर्क टूगेदर, मतलब एक काम एक ऐसा, वी आर वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड देर इज़ ए नीड ऑफ टू और यू कैन से मोर देन टू पीपल और मोर देन फाइव पीपल because we want to do work in a group. तो क्या होगा ग्रुप में जब हम काम नहीं करना, कंफ्लिक्ट होगा तो ग्रुप में हम उस तरह से उस एक्टिविटी को लेके नहीं चल सकेंगे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द कन्फ्लिक्ट. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, ठीक है. हमने काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया है, इसमें इंट्रा पर्सनल है, इंटरपर्सनल है, ठीक है, मतलब ये तो इंडिविजुअल्स के दरमियान है. फिर हमारे पास ग्रुप्स में आ जाती हैं, इंटर ग्रुप है, इंट्रा ग्रुप है, ठीक है. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन वन इंडिविजुअल, जो एक के इंडिविजुअल के दरमियान में रहता है. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में रहता है, ठीक है. उसके बाद इंट्रा ग्रुप है और फिर इंटर ग्रुप है. इंट्रा ग्रुप जो है वो विद इन वन ग्रुप, जो कि वन ग्रुप के दरमियान में रहते हैं, और इंटर ग्रुप जो है वो बिटवीन टू और मोर ग्रुप, जो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में रहेगा. ये एक उन्होंने फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाया है कि कन्फ्लिक्ट मॉडल प्रोसेस का जो है वो ये फ्लो चार्ट है और ये किस तरह से जो है वो चीज़ें इसके अंदर होती हैं. तो सबसे पहले आपके पास एंटीसीडेंट कंडीशंस है. एंटीसीडेंट कंडीशंस से मुराद ये है कि रीजंस क्या क्या बन रही हैं उस कन्फ्लिक्ट को रेज होने में. तो एंटीसीडेंट कंडीशंस में सबसे पहले आपके पास प्रीसीव्ड कन्फ्लिक्ट आ जाता है, फेल्ट कन्फ्लिक्ट आ जाता है. प्रसीव्ड कन्फ्लिक्ट फेल्ट जो है वो समटाइम रिवर्स हो जाता है आपके प्रसीव में, और प्रसीव जो है वो आपका समटाइम रिट्रीव हो जाता है आपके फेल्ट में, और ये दोनों मिलके जो है वो कन्फ्लिक्ट बिहेवियर बनाती हैं. या तो इसमें कन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व हो जाएगा या एक्सप्रेस हो जाएगा, एंड देन वी विल रीच ऑन आउटकम, और हम आउटकम पे चले जाते हैं. एंटीसीडेंट कंडीशन, एंटीसीडेंट कंडीशन आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट में वो रेज हो जाते हैं, जैसे प्रोपेल और पुश अ सिचुएशन टुवर्ड्स कन्फ्लिक्ट. नर्सिंग में अगर हम देखें तो इनकॉम्पैटिबल गोल्स या डिफरेंस इन वैल्यूज, बिलीव्स, एसिमेट्रिक डिपेंडेंसीज, ठीक है, मतलब हमारे गोल्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हो जाते हैं, वैल्यूज हमारी चेंज हो जाती हैं, ठीक है, और हम क्या कहते हैं एसिमेट्रिक, या आप कह लें कि जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि एंटीसीडेंट्स हैं, यानी कि पीछे से रूट कॉज उसकी मौजूद है जो कि उसको आगे प्रोपेल या पुश कर रही है. स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, वैल्यूज एंड बिलीव्स, और वैल्यूज और बिलीव्स आ जाती हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली जो कि साथ साथ चलती हैं, कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, उसके बाद आपके पास वैल्यूज एंड बिलीव्स, और आपकी डिफरेंट वैल्यूज और बिलीव जो है वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रसीव्ड एंड फेल्ट कन्फ्लिक्ट.
सेफ कंफ्लिक्ट आपके पास रेफर टू ईच पार्टीज परसेप्शन ऑफ ईच अदर्स पोजीशन, मतलब हर पार्टी की अपने बारे में जो एक परसेप्शन होगी, अपने बारे में उनका एक वैल्यू बिलीफ होगा, वो आ जाएगा आपके प्रसीव के अंदर. और फेल्ट जो है वो आपके पास नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी कि जो अदर पार्टी के बारे में जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स होंगी वो फेल्ट के बारे में आ जाएंगी, यानी कि जो आप एक्चुअल महसूस कर रहे हैं. कैरेक्टराइज बाय मिसट्रस्ट, हॉस्टेलिटी, एग्रेशन एंड फियर, ठीक है, उसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे आपके. मिसट्रस्ट होगा, हॉस्टेलिटी होगी, एग्रेशन होगा, फियर होगा, तो ये चीज़ें जो है वो ये साथ साथ चलेंगी आपकी, ये फेल्ट कन्फ्लिक्ट का पार्ट होती है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर, ठीक है. बेसिकली दिस बिहेवियर इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सम पीपल शो ओवर्ट एंड सम पीपल शो कोवर्ट. ओवर्ट क्या है? ओवर्ट बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली हमें नज़र आ रही होती हैं. और कोवर्ट क्या है? मतलब कि जो कि कवर्ड होती हैं, जो हम देख नहीं पाते हैं, बल्कि उनके क्या है, उनकी पर्सनैलिटी का एक हिडन पार्ट है. ओवर्ट में जैसे एग्रेशन, अगर कोई बंदा रिटेलिएट कर जाता है फौरी तौर पे किसी भी बात पे, छोटी छोटी बात पे कम्पीट करता है, उसके एटीट्यूड का पार्ट है. डिबेट, निगेट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो दीज आर बेसिकली अनहिडन क्वालिटीज़ और यू कैन से अनहिडन पार्ट्स हैं जो कि हमें नज़र आते हैं. कोवर्ट में जो है, क्योंकि चीज़ें छुपी हुई हैं, नज़र नहीं आ रही. लाइक जैसे क्या है, एक्सप्रेस बाय वैरायटी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्टिक्स. इसमें इनडायरेक्ट टैक्टिक्स आ जाते हैं, सच एज स्केपगॉटिंग, ठीक है, अवॉइडेंस और एपैथी. स्केपगॉटिंग आ जाती है, अवॉइडेंस आ जाती है, एपैथी आ जाती है. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंफ्लिक्ट रिजॉल्व और स्प्रेस्ड. उसमें आपके पास रेजोल्यूशन आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाती है. देर आर सम इश्यूज जहाँ जो कि सम हाउ रिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि एक्सप्रेस हो जाते हैं. अब जो रिजॉल्व होने वाले हैं, म्यूचुअली एग्रीड अपॉन सॉल्यूशन इज अराइव्ड एट एंड बोथ पार्टीज कमिट देमसेल्फ टू कैरिंग आउट द एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब म्यूचुअली एग्रीड है, ठीक है. उसमें कोई भी सॉल्यूशन आपके पास आता है, दोनों पार्टीज उस चीज़ पे प्रिंसिपली एग्री करती हैं और उसको आगे लेके चलती हैं, तो मतलब रिजॉल्व हो गया. नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेशन, यानी कि समटाइम हम क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व की तरफ नहीं लेके जाते, बल्कि पर्सन या ग्रुप्स जो होते हैं वो एक दूसरे को डिफीट्स करते हैं, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. व्हेन वन पर्सन और द ग्रुप डिफीट्स द अदर्स, ओनली द डोमिनेंट साइड इज कमिटेड टू द एग्रीमेंट एंड द लूजर मे और मे नॉट कैरी आउट द एग्रीमेंट. एक्सप्रेशन में ये आता है कि दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज में से एक वीक है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, या कह लें कि वो उस किस्म की फोर्स यूज नहीं कर सकता, उस किस्म की वो अथॉरिटेरियन बिहेवियर उसका नहीं है, तो क्या होगा कि वो स्प्रेस करेगा. अब जब वो स्प्रेस करेगा तो जो दूसरा पार्टी है, रेस्ट ऑफ द पार्टी है, दो पार्टीज के दरमियान में अगर कंफ्लिक्ट, तो वो डोमिनेंट होगी. वो डोमिनेंट होगी तो वो उस एग्रीमेंट के ऊपर कमिटेड रहेगी, ठीक है, अपना जो भी गलत है सही है, तो ओवरऑल कंफ्लिक्ट जो है वो आपका स्प्रेस हो जाएगा. तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्प्रेशन. नेक्स्ट, व्हाट आर द आउटकम्स. आउटकम्स अब दोनों सूरतों में क्या है? आउटकम ये है, सॉल्यूशंस वेयर इन बोथ पार्टीज सीज देमसेल्व्स विनर्स एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, दोनों पार्टीज जो है वो क्या करेंगी, आपके पास सॉल्यूशंस निकल आया, सॉल्यूशंस वेयर बोथ पार्टीज देमसेल्व्स एज विनर्स, मतलब एक विनर होगा एक क्लोजर होगा. It is positive outcome and will affect future relation and influence feelings and attitude. और ये आपके overall future का जो attitude है, relation है, उसको क्या करेगी, influence करेगी. Next आपके पास आ जाता है management. अब हमने इसको manage कैसे करना है? Managing conflict में आपके पास आ जाता है protect each party's self-respect. आपने हर पार्टी की सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो मेंटेन करना है. डो नॉट पुट ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम्स ऑन द पार्टिसिपेंट. और आपने क्या करना है कि एक दूसरे पार्टिसिपेंट्स की एक जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उन पे आपने ब्लेम गेम नहीं करनी है, ठीक है, मतलब इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो कि उनके उस पार्ट का, उस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना हो.
अलाउ अपॉन एंड कम्प्लीट डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, देन आपने क्या करना है उसको डिस्कशन में लेके आना है, देन वी डिस्कस अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑन द टेबल, देन वी विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो मतलब आपने मैनेज कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर ऑल द टैक्टिक्स, दीज आर ऑल द स्ट्रेटजीज विच वी कैन बी यूज फॉर दिस मैनेजमेंट. Then we will also maintain equity in the frequency and duration of each party's presentation. मतलब हर जो भी पार्टी का मेंबर है, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है, आपने उसको एक कंप्लीट फ्रीडम देना है, कंप्लीट उसको कह लें कि उसका टाइम देना है कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर टेबल टॉक कर सके या अपना एजेंडा बयान कर सके. सो यू शुड प्रोवाइड स्पेस, यू शुड प्रोवाइड टाइम एंड यू शुड प्रोवाइड ऑफ देयर हिज और हर पार्ट, ताकि वो उसके ऊपर डिबेट कर सके. इनकरेज फुल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स इन एन एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों आपने उसको उसके एंड से कहना है कि वो बयान करे. ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव एंड बयान कर दे, नेगेटिव एंड छोड़ दे, या सिर्फ नेगेटिव सिचुएशंस को बता दे और पॉजिटिव सिचुएशंस छोड़ दे. आपने दोनों सिचुएशंस उसको बतानी है, दोनों सिचुएशंस के बारे में उसको कहना है कि आपने एक्सप्रेस करना है. जब तक आप ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप आगे लेके नहीं चल सकते. सो मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर बोथ पार्टीज लिसन एक्टिवली टू ईच अदर वर्ड्स. अब दोनों पार्टीज को आपने वन टू वन डिस्कशन में लिए हैं, लेकिन माइट बी वन पार्टी इज नॉट एक्सेप्टिंग टू अदर पार्टी और ही और शी कैन नॉट हियर टू द अदर पार्टी. सो इस किस्म का एटमॉस्फेयर और इस किस्म की सिचुएशन आपने डिवेलप करनी है कि दोनों के अंदर पेशेंस रहे और वो दोनों पार्टीज जो हैं एक दूसरे को सुन सकें. जहाँ पे भी उनकी ग्रीवियंस है, जहाँ पे भी उनकी रिजर्वेशन है, वो उसके ऊपर मुत्तफिक हो सके. आइडेंटिफाई की थीम्स इन द डिस्कशन. अपने की थीम्स को देखना है उन डिस्कशन के अंदर. इनकरेज द पार्टीज टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक टू ईच अदर आउटकम. और आपने जो है वो फ्रीक्वेंटली क्या करना है, आउटकम प्रोवाइड करने हैं एक दूसरे को. हेल्प द पार्टिसिपेंट डिवेलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. सिलेक्ट म्यूचुअली एग्रीएबल वन. और आपने जो भी मतलब डिसीजन निकालना है वो म्यूचुअली आपकी एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए. ये नहीं कि एक पार्टी जो है वो कुछ और कहना चाह रही है और दूसरी पार्टी जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात करना चाह रही है. गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द पार्टिसिपेंट्स रिगार्डिंग देयर कॉर्पोरेशन इन सॉल्विंग द कंफ्लिक्ट. और आपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक पॉजिटिव फीडबैक देना है irrespective of their cooperation in solving the conflict, whatever आपने जो भी मतलब problem solve करनी है उससे related. इससे related conflict management से related अगर किसी की कोई query है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. इसकी management से related, इसकी type से related, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई issue है तो वो पूछ सकते हैं. मुझे वर्धा ने, सिब्रा ने आपका स्केड्यूल बना के दिया था और वो मेरा ख्याल से सबके साथ ऑलमोस्ट जो है वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. तो मैंने आपसे ये कहना था कि होपफुली व्हेन यू विल कम टू द कैंपस वी विल स्टार्ट एंड वर्क ऑन दिस टाइम टेबल इंशाल्लाह सून. सो तब तक जो है वो आप अपनी उन जो भी आपके लेक्चर्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उन पर आप लोग तैयारी रखें.
जी जी हाँ जी, मेरे पास भी नहीं है, लोन पे बात कर रही हूँ। ओके।